एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वीना शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टोमेटो फेसियल। जी हाँ, ऑलरेडी टोमेटो पे काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, बट मैं कुछ आज इजी सा करके दिखाऊंगी आपको। आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको टोमेटो से पूरा फेसियल करके दिखाऊंगी। इसे आप मिनी फेसियल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका स्क्रब भी हो जाएगा, आपकी मसाज भी होगी, आपका जो फेस पैक है वो भी होगा, और ये एक क्लीनर का काम भी अच्छा करेगा। और सिर्फ एक टमाटर से ये पूरा फेशियल होगा। आपको स्टेप्स भी ज़्यादा फॉलो नहीं करने पड़ेंगे और कुछ ही टाइम में हो जाएगा और स्किन लाइट ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप लोग कुछ भूल रहे हैं, समझ जाओ यार, एक लाइक तो बनता है। चलिए, हम लेंगे एक लाल टमाटर। इसे हमें हाफ पार्ट कद्दूकस कर लेना है। तो देखिए, मैंने पहले से ही आधा टमाटर है इसे कद्दूकस कर लिया था। इसका जो हाफ पार्ट है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका भी हम फेशियल में यूज करेंगे। तो चलिए फेशियल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस में क्लीनर का काम। हमें अपने फेस को क्लीन करना है ताकि हमारे फेस पर जो भी धूल मिट्टी डस्ट हो, थोड़ा बहुत मेकअप हो, वो सब हट जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, टोमेटो का जो एक कद्दूकस किया हुआ पार्ट है, इसमें से हम कुछ लेंगे और अपने फेस पर अच्छे से ऐसे फेस को क्लीन करेंगे, सिर्फ सर्कल मोशन में। हमें और कुछ भी स्टेप फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सर्कल सर्कल करके पूरे फेस को क्लीन कर लेना है अच्छे से, 2 से 3 मिनट के लिए। ये हमारे फेस में क्लीनर का बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए, टोमेटो होता है इसमें स्किन को वाइट करने का, स्किन को ब्राइट करने का, स्किन को ग्लोइंग करने का बहुत ही अच्छा गुण होता है, और ये स्किन में ब्लीचिंग का काम भी देखिए बहुत अच्छा करता है। स्किन को ये टाइटिंग का काम भी अच्छा करता है। तो देखिए, मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अब हम करेंगे स्क्रब। तो देखिए, हमने फर्स्ट काम फेस क्लीनअप का कर लिया है, अब हम सेकंड काम कर रहे हैं, वो है स्क्रब। तो उसके लिए मैंने ली है बारीक चीनी। देखिए, आप अगर आपके पास मोटी चीनी है तो उसे आप थोड़ा ग्राइंड भी कर सकते हैं। और अब हमने जो टोमेटो का हाफ पार्ट ये रखा था, देखिए हाफ हमने कद्दूकस कर लिया था, अब ये हाफ पार्ट है, इसको हमें ऐसे इसमें चीनी ले लेनी है अच्छे से, ऐसे लगा के देख सकते हैं, और हल्के हाथों से ऐसे स्क्रब करना है। देखिए, अगर जिन लोगों की स्किन ज्यादा ड्राई है वो लोग इसमें थोड़ा हनी का भी यूज कर सकते हैं। हमें स्क्रब करते टाइम एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो स्क्रब होता है उससे हमारी जो डेड स्किन सेल्स होती है वो निकलती है। देखिए, डेड स्किन सेल्स ज़्यादातर हमारे नाक के एरिए के आसपास, हमारे अपर लिप्स पर, हमारे चिन पर होती है, और ये चीनी मिलाने से टोमेटो के साथ ये हमारे डेड स्किन सेल्स को निकालने का बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब देखिए, टोमेटो ऐसे हल्के हाथों से हमें करते रहना है, और देखिए जहाँ डार्क सर्कल का एरिया होता है, जिन लोगों के डार्क सर्कल होते हैं वो इस एरिया को बिल्कुल ना भूलें, और बिल्कुल स्मूथली स्मूथली ऐसे स्क्रब करते रहें। इसके लिए भी हमें 3 से 5 मिनट का टाइम है, वो बहुत रहता है। देखिए, स्क्रब के साथ साथ मसाज भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ठीक है, अब हमारा हो गया है 3 से 5 मिनट का टाइम, हमारा स्क्रब हो गया है पूरा, अब हम करेंगे फेशियल मसाज। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं फेशियल मसाज। देखिए, हम फेशियल मसाज करेंगे, उसी के साथ हमारा फेस बैक भी हम कर लेंगे। वो कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए, जो टोमेटो हमने कद्दूकस किया था उसमें से 2 चम्मच के लगभग मैंने अपने पास रखा है। आपको 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ टोमेटो लेना है और 1 चम्मच इसमें मिलाना है बेसन। देखिए, जिन लोगों की स्किन है वो ऑयली है, वो लोग इसमें मुल्तानी जो मिट्टी होती है, मुल्तानी जो पाउडर होता है, उसका 1 स्पून है वो मिक्स करें, वो बेसन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए है वो मुल्तानी मिट्टी है, बहुत ही अच्छी रहती है। पर मेरी स्किन है वो नॉर्मल है, इसलिए मैंने इसमें बेसन मिलाया है। नॉर्मल स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले इसमें बेसन का यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने ऐसे ही उंगली से मिक्स कर लिया है इसे, और ये पेस्ट देखिए हमारा बन गया है। इसको हमें अपने उंगलियों पे ऐसे लेकर हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, स्मूथली स्मूथली। देखिए जैसा कि मैंने बताया है, आपको फालतू स्टेप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ सर्कल करके भी आप बहुत ही अच्छा फेशियल कर सकते हैं। देखिए आप कैसा भी फेशियल करें, सिर्फ फेस पर सर्कल मोशन में ही अच्छा फेशियल कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको फेस के किसी भी पार्ट को अवॉइड नहीं करना है, जैसे कि नाक के आसपास, यहाँ देखिए डेड स्किन सेल्स होती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड भी बहुत होते हैं, अपर लिप्स का एरिया होता है, चिन होता है, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हमें इन चीज़ों को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। देखिए एक यहाँ आंखों के नीचे हमें जरूर करना चाहिए, यहाँ डार्क सर्कल की काफ़ी लोगों के बहुत समस्या होती है। इस फेशियल से डार्क सर्कल भी कम होंगे। देखिए एक टमाटर है और आपका कितना अच्छा फेशियल कर देगा, वो भी थोड़े टाइम में। ये देखिए मसाज हमें 8 से 10 मिनट तक करनी है। जिन लोगों के मुहासे हैं वो पूरे 10 मिनट ले सकते हैं, और जिनके मुहासों की प्रॉब्लम नहीं है वो 8 मिनट में भी अपना ये मसाले से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 8 मिनट तक मसाज कर ली है। अब इस पेस्ट की एक मोटी सी लेयर बनाकर मैं अपने फेस पर छोड़ दूंगी, जो हमारे फेस पैक का बहुत ही अच्छा काम करेगा और हमारी स्किन टाइटनिंग करने में बहुत ही मदद करेगा। तो ये देखिए मैंने फेस पैक लगा लिया है, अब मैं इसे सुखाकर अपना फेस धोती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने फेस को धो लिया है। आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने पूरे फेसियल के दौरान एक बार भी अपने फेस को ना ही कपड़े से पूछा है और ना ही फेस को मैंने धोया है, क्योंकि टमाटर के अंदर क्वालिटी ही कुछ ऐसी होती है। टमाटर के अंदर स्किन को ब्राइट लाइट टाइट करने की बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, और जब हम इस दौरान अपने फेस को नहीं धोएंगे तो वो जो सारी क्वालिटीज हैं हमारी स्किन में जाएगी, तभी हमारी स्किन जाके जबरदस्त बनेगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आज का ये टोमेटो का मिनी फेशियल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इससे मैं जो भी वीडियो नई अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।